दर्शकों को बता दें, फ्लाई दुबई एयरलाइन अपनी सारी फ्लाइट्स उसने कैंसिल कर दी है ईरान के लिए। तो अब ईरान को जाने वाली जो फ्लाइट्स है अलग अलग देशों की, अब उसे भी कैंसिल किया जा रहा है। एक तरफ ईरान अपने जो तेहरान के एयरपोर्ट से उन्हें खाली करा रहा है, मतलब राजधानी में ही जब ये हाल है कि उन्हें खाली कराया जा रहा है, तो फिर बाकी मुल्कों को भी जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। और अब जो दुबई की एयरलाइन के हवाले से खबर मिल रही है वो यही है, फ्लाई दुबई एयरलाइन जिसने ईरान जाने वाली अपनी तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। और अगर ये दुबई की तरफ से फैसला उठाया गया, कदम उठाया गया, तो जाहिर सी बात है बाकी देश भी आगे आएंगे, क्योंकि ये तो एक लहर होती है ना। अब एक देश से अगर, और अपने नागरिकों को तो हर कोई सुरक्षित रखना चाहता है, जब वहां पर हवाई हमले किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को है तो वो विमानों को ही है, एयरक्राफ्ट को ही है। और इसीलिए दुबई की तरफ से तो अपनी सारी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है, बाकी देश भी मुझे लगता है अब ये एहतियाती कदम उठाएंगे। बिल्कुल, और ये एक बड़ी खबर है जो शालिनी आप बता रही है कि ये खास बात अब अमेरिका की ओर से कह दी गई है कि द यूएस वॉज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द इजराइली स्ट्राइक। दरअसल ईरान में जो हमला किया गया है, अमेरिका अब ये साफ कह रहा है कि भाई मेरा सीधा सीधा इसमें कोई रोल नहीं है। प्रशांत, एक और खबर हम दर्शकों को बता दें, देखिए दुबई ने तो अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करी दी हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक फ्लाइट ईरान के अंदर चलने वाली है, अब उन्हें भी कैंसिल करना शुरू ईरान की तरफ से कर दिया गया है। खबर ये मिल रही है कि इस्फान जहाँ पर हमला हुआ है, एक तो वो शहर, इसके अलावा शिराज और तेहरान, ये सभी जगह की जो फ्लाइट्स है उन्हें फिलहाल कैंसिल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। इन तीन शहर के बारे में खबर मिल रही है। IRNA न्यूज एजेंसी ये खबर बताती हुई अभी फिलहाल दिखाई दे रही है कि ईरान ने सस्पेंड कर दिया अपनी फ्लाइट्स इन तीन शहरों के लिए। ये उसकी डोमेस्टिक फ्लाइट है, तो ईरान अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट्स को कैंसिल कर रहा है। बहुत से ऐसे देश हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो उनकी ईरान जाने वाली थी उन्हें कैंसिल कर रहे हैं। और इसी से आप समझ सकते हैं कि ये जो हमला है ये कितना भयावह है और आने वाला वक्त कितना क्रूशियल हो सकता है ईरान के लिए। क्योंकि अगर कोई देश ऐसे कदम उठा रहा है कि अपनी जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उन्हें कैंसिल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आगे आने वाला समय ईरान ये खुद भी महसूस कर रहा है कि उसके लिए परेशानी भरा हो।